तो आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्टिंग। तो अगला टॉपिक हमारा है शॉर्टिंग का, मतलब कि डेटा को शॉर्ट करना। तो डेटा अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट करने से पहले चीज का ध्यान रखें कि डेटा शॉर्ट करना क्यों चाहते हैं, क्या पर्पस क्या है। देखिए मान लीजिए डेटा अगर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए कि आप ही को अपना इसमें आप गए अपना रोस्टर देखने के लिए गए, ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट गए आप, तो वहां पे अगर आपका नेम बाय सीक्वेंस है तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। अगर नेम बाय आपका सीक्वेंस नहीं हुआ तो उसमें देखना थोड़ा मुश्किल है ना सर। तो मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा जो है नेम के हिसाब से सीक्वेंस हो या किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे अरेंज हो, तो उसके लिए क्या करते हैं शॉर्ट करते हैं। डेटा शॉर्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपका डेटा ब्लैंक तो नहीं है, मतलब कोई रो पूरी की पूरी ब्लैंक हो कि ना। ऐसा इसलिए कि अगर पूरी रो ब्लैंक है तो आपको सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, डेटा को सिलेक्ट करके फिर शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है yes, sir. तो सिलेक्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अगर ब्लैंक नहीं है तो सिलेक्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है सर। तो मुझे एक कॉलम पर मान लीजिए मुझे नेम के हिसाब से शॉर्ट करना है, तो नेम पे कर्सर रखूंगा और यहां शॉर्ट ए टू जेड कर दूंगा तो मेरा डेटा शॉर्ट हो जाएगा। देखिए मुझे मान लीजिए नेम के साथ मैं सेल्स मोड भी शॉर्ट करना है, तो उस केस में फिर हमको शॉर्ट यहाँ शॉर्ट पे जाके कस्टम शॉर्ट पे जाना होगा और यहाँ पे मुझे एक लेवल यहाँ से ऐड करके यहाँ पे मुझे सेल्स मोड और फिर ओके करना पड़ेगा, तब जाके आपका शॉर्ट होगा। दो या दो से फील्ड पे इस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि मान डेटा में डेट मंथ ऐड कर देता हूं, यहां पे मंथ ऐड कर देता हूं। अब मुझे मंथली शॉर्ट करना है, तो अब मैं मंथली शॉर्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि जनवरी पहले नहीं आएगा, पहले आएगा अप्रैल, क्योंकि वो अल्फाबेटिक चलेगा। मुझे कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो उस केस में हमें कस्टम शॉर्ट पे जाना होगा और यहां ए टू जेड की जगह पे कस्टम लिस्ट, इसमें आप जो है लिस्ट अपनी देख लीजिए कौन सा लिस्ट है, ये आपका जैन फेब है, आप ओके कर दीजिए। अब आपका कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, जैन फिर फेब फिर मार्च, इस तरह से आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अपने हिसाब से मैं अप्रैल टू दिसंबर करना चाहते हैं, कुछ अपने हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहां कस्टम शॉर्ट में आपको कस्टम लिस्ट में जाना पड़ेगा और यहां न्यू लिस्ट पे जाके आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्रिएट कर रखा है सिटी के हिसाब से, कि सिटी के हिसाब से ऐड होगा, या फिर मैंने नेम के ले लिया नेम के हिसाब से, तो ओके करता हूं। अब मैं यहां पे नेम दे देता हूं, तो मेरा जो नेम है वो नेम में पूजा पहले आएगा फिर नीरज आएगा, क्योंकि जो शॉर्ट ऑर्डर है मैंने डिफाइन किया हुआ है, आपका शॉर्ट होगा। अब शॉर्ट चीज और आती है, जैसे कि मुझे शॉर्ट बाय कलर करना है, वैल्यू बाय तो शॉर्ट होता ही है, लेकिन मान लीजिए मैं क्यूसी कर रहा था और क्यूसी करते समय मुझे कुछ चीजें दिखी यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ चीजें दिख गया, तो मैं चाहता हूं इनको शॉर्ट करना कलर के हिसाब से, जो कलर है हमारा उसके हिसाब से मैं शॉर्ट करना चाहता हूं। तो अब मैं यहाँ कस्टम शॉर्ट पे आऊंगा और कस्टम शॉर्ट पे आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्वांटिटी को ले लिया और यहाँ हम सेल वैल्यू के जगह पे सेल कलर लेंगे, और कौन सा कलर आपको टॉप पे चाहिए, तो मैंने बोला कि यहाँ ब्लैंक को मुझे ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ओके कीजिए, आपका कलर शॉर्ट हो जाएगा। देखिए आपका जो कलर था ऊपर में आ गया।
ऐसे मान लीजिए आपने अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आइकन जो है वो आइकन लगा रखी है, तो आप आइकन के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ यहाँ पे कस्टम शॉप पे आइए और यहाँ मुझे अमाउंट लिया हमने, और अमाउंट में मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कलर यहाँ पे दिख रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स। अब यहाँ में कौन सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, इसे कौन सा आइकन को टॉप पे रखना है या बॉटम पे रखना है डिसाइड कीजिए, और भी एड लेवल ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे, एंड ओके कीजिए, आपका शॉट उसी हिसाब से होगा। अब इसमें बात आती है इसे रैम ही ले लीजिए, तो इसमें कुछ रैम मेरे स्मॉल लेटर में है, तो शॉर्ट करते समय मुझे ये चीज को देखना है कि जो जो स्मॉल लेटर में जो लिखे हुए हैं प्रोडक्ट वो एक जगह इकट्ठा हो गया है, जैसे मिक्स है ना, ऐसे मिक्स ना हो, वो एक जगह इकट्ठा हो गया। तो शॉर्ट करते समय कस्टम शॉर्ट में जैसे मैंने मान लीजिए प्रोडक्ट को लिया हुआ है और यहाँ मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ ऑप्शन में आऊंगा और इस ऑप्शन में यहाँ ऊपर दिखेगा आपको केस सेंसिटिव, तो इस केस सेंसिटिव को सिलेक्ट करूंगा एंड ओके करूंगा। आप देखेंगे कि आपका जो डेटा शॉर्ट हुआ है उसमें आपका जो रैम है, अब मैं एक दिखा देता हूँ, रैम में जो स्मॉल लेटर था वो एक जगह पे आया। छोटा एक जगह इकट्ठा हो गया, इस तरह से इकट्ठा कर। तो अभी तक जो शॉर्टिंग हमने की है और टॉप टू बॉटम की है, अब मुझे शॉर्टिंग करनी है लेफ्ट टू राइट। तो चलिए छोटा सा हम डेटा बनाते हैं और बताते हैं कि कैसे शॉर्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे नेम देता हूं और यहां पे मान लीजिए मैं सेल्स दे दिया, और यहां पे मैं तो हमने फॉरवर्ड कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसको शॉर्ट करना है, जो शॉर्ट करना है मुझे टॉप टू बॉटम में लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करना है। तो लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करते समय सिलेक्शन करेंगे उसमें आप हेडिंग अपना मत कीजिए, वरना हेडिंग को भी शॉर्ट कर देगा। फिर मैं यहां कस्टम शॉर्ट पे आऊंगा और यहां ऑप्शन भी मैं जाऊंगा और यहाँ पे शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, यहाँ दिख रहा होगा आपको शॉर्ट लेफ्ट टू राइट एंड ओके। फिर इसमें हमने रो वन या रो टू के अकॉर्डिंग चाहिए वो सेलेक्ट कर लिया आपने, देन ओके, आपका डेटा शॉर्ट हो गया किसके बाद, तो लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? दूसरी चीज, जब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप शॉर्ट करेंगे तो इसमें आपको फील्ड का लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फील्ड का लिस्ट आपको ना दिखे, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम यहां ऊपर में माई डेटा हैज ए हीडर पे अनचेक कर देंगे, माई डेटा हैज ए हीडर पे, अगर इस अनचेक रहेगा, सॉरी अनचेक रहेगा तभी आपको यहां पे कॉलम में एबीसीडी आएगा, अब इसमें चेक कर दीजिएगा तो फिर आपका फील्ड का हेडिंग आएगा, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है? यस सर। क्लियर है? जी हाँ। ये हमारा शॉर्टिंग का पार्ट था। तो